रोकड़े सर, तुम कंप्यूटर पे बैठ जाओ। राजू, तुम जो जो बोलोगे हम कंप्यूटर में फीड करेंगे। हाँ तो बताओ राजू, कातिल का हुलिया कैसा था? सर कैसा था सर? डरो मत राजू, बोलो। सर उसका कद इतना था सर। इतना? गलत हुलिया, गलत। नहीं सर, इतना। बोना कातिल सर, बोना। नहीं सर, 5'6" था सर। हाँ लिखो, 5'6". 5'6" और आंखें कैसी थी? बड़ी थी सर। नहीं सर, छोटी। छोटी। और ये नाक कैसा था? सर नाक सर फूला हुआ था सर। नहीं सर, चपड़ा था। चपड़ा नहीं, फूला नहीं, तो फिर क्या? लंबा। लंबा था सर, लंबा। लंबा। सर आपका फोन है। फोन है? रोकड़े कंटिन्यू। यस सर, मैं अभी आता हूँ सर। क्यों सच बोलते हो राजू, कुछ भी बोल दो। गीता जी, बड़ा मुश्किल होता है जिसका वजूद ही नहीं, उसका हुलिया कैसे बताऊं? हजारों लोगों का चेहरा देखा होगा वेटर गिरी करते हुए, कुछ भी बोल दो। पस काई नहीं। कमिश्नर साहब का फोन था, खामखा डांट रहे थे। जल्दी बता, कातिल का हुलिया कैसा था? मेरा मूड खराब मत कर, जल्दी बता। एक मिनट सर, मैं सर याद करूं। अरे इतनी देर लगती है क्या याद करने को? जल्दी बता वरना लॉकर में बंद कर दूंगा। सर ये देखिए ये माउस टूट गया। पुलिस डिपार्टमेंट को बिल भेज दो। सर ये पुलिस का ही माल है। पुलिस का है, रख दो। बोल दो, एनकाउंटर में गोली लग गई। राजू जल्दी बता, कातिल का हुलिया। नहीं, बोलो। कल पाकु छे, सर सीना 40, कमर 40, चेहरा फूला हुआ, नाक मोटी, छोटी छोटी आंखें, बड़े बड़े होंठ, रंग काला, थोड़ी डबल घुंघराले वाले, मोटी टोन, 85 किलो, दूर से देखो तो ऐसा लगेगा कि आठ आखड़ा चला आ रहा हो। वाओ, गुड। रोकड़े, यस सर, कंप्यूटर में फीड कर दो। यस सर, देखते कातिल का हुलिया कैसा आता है, जल्दी। यस सर, तुमने तो मशीन गन चला दी। गीता जी आपने तो कहा था कोई जाने माने का चेहरा बयान कर दो, सो कर दिया। सर ये तो शक्ल से ही कातिल दिखता है। यस सो स्वीट राजू, यू स्वीट टू गीता। ये ठीक राजू। ए राजू। यस सर, यही है ना वो किलर जिसको तुमने देखा था? नहीं सर, ये गड़बड़ हो गई सर। क्या बक रहे हो, कंप्यूटर कभी गड़बड़ नहीं करता। उसने वही तस्वीर बनाई जो तुमने बताई। बोलो राजू, ठीक है या नहीं? नहीं नहीं सर। बोलो, या तुम झूठ बोल रहे थे? हाँ ये कहती सर। गुड, अब तुम जा सकते हो, लेकिन शहर के बाहर मत जाना, हमें तुम्हारी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। थैंक यू मिस्टर शिंदे। रोकड़े सर, जल्दी से इसकी फोटोकॉपियां निकालो, सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो, पूरे पुलिस फोर्स को इसके पीछे लगा दो। देखता हूँ बचकर जाएगा कहाँ साला। सर जाओ। ए फोन, एक मिनट। हेलो हेलो कुट्टी, मोबाइल। हेलो शनुकन शंकरन दामोदरन पल्लिकाड़े कुट्टी। अबे कुट्टी मेरी बात सुन। राजू ये तेरा जेर हिटर रे, ये वर्षा मेरे साथ में रे, बात करेंगे? अरे नहीं बात करनी उससे मुझे, मेरा बहुत खास दोस्त, ले बात कर। हाय राजू। हाय तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ज्यादा बात नहीं करेगा, बहुत हैंडसम है। ओके हेलो। हाँ बोल कुट्टी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, तू घर के बाहर मत जा। ए राजू क्या बात करता रे, आज का स्पेशल दिन, आज मई वर्षा मई डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाता रे। बाहर में क्या डिनर? मैंने कहा तू घर के बाहर नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। मई बाहर रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया है, मेरे को रोकने वाला कोई नहीं है, तू भी नहीं है। ओके मोबाइल है, फोन कर दिया। वर्षा आज अपना पहला मुलाकात, खाने के लिए डाल बात। वर्षा खाना खा ले, आज मेरे साथ खाना खा ले। बिल का क्या बात है, ये मेरा शेर है। चल जल्दी करो राजू, हमें निकलना है फौरन। हाँ गीता जी, निकलते बस। जवान ये फटाके कौन फोड़ रहा है रे? अरे किसकी हिम्मत है पुलिस स्टेशन के सामने फटाके फोड़ने की?
सीताजी मैंने चकवा देता हूँ, आप गाड़ी निकालिए। ओके। क्या हुआ सर, ये शोर कैसे है? अरे शोर नहीं, मशीन गन है, मशीन गन। लानत है रोकड़े, इस शहर में सबके पास मशीन गन है सिवाय हमारे। राजू जल्दी चलो। ये मुझे कहाँ ले आए गीता जी? ये हमारे चैनल का गेस्ट हाउस है, आज रात हम यही रुके। नहीं नहीं, नहीं मैं यहाँ नहीं रुक सकता। क्यों क्यों राजू? बस गीता जी बहुत हो गया, आपको मेरे टीवी पे इंटरव्यू चाहिए था, मैंने दिया। पुलिस को गलत हुलिया बताना था, मैंने बताया। अब भगवान के लिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। राजू क्या तुम मेरी एक बात नहीं मानोगे? अब क्या है गीता जी? चलो अंदर बताती हूँ, सब बताती हूँ। मैं अपने दर्शकों को वादा कर चुकी हूँ कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू कल दोबारा दिखाऊंगी। नहीं नहीं गीता जी, मेरा दोस्त बहुत मुसीबत में है। राजू राजू प्लीज लिसन टू मी, मुझे तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 24 घंटे चाहिए बस। ओके गीता जी मेरी बात तो सुनिए। किस चक्कर में फंस गया राजू, किस चक्कर में? एक लड़की के प्यार में? तेरे तो पीछे सारी की सारी माफिया पड़ गई, और तूने तो अपने दोस्त गुट्टी को भी फंसा दिया। गुट्टी, गीता जी मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। राजू सिर्फ 24 घंटे की तो बात है, क्या तुम अपनी वर्षा के लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं गीता जी, आप मेरी वर्षा नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मेरी वर्षा हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? ऐसा क्या था तुम्हारी वर्षा में? कोई अप्सरा तो नहीं थी? तस्वीर देखी है मैंने। सिर्फ तस्वीर देखी है ना आपने, सचमुच तो नहीं देखा ना? अब मैं क्या बताऊं गीता जी, क्या लड़की थी वो, उसकी तो हर अदा निराली थी। अच्छा किस तरह चलती थी? ऐसे? इस तरह बैठती थी, बालों को ऐसे सवारती थी, यूं इस तरह तुम्हें देखती थी और फिर नजदीक आती थी, तुम्हें छूती थी, फिर प्यार करती थी और तुम्हें कुछ होने लगता था। राजू क्या मैं इतनी गई पीती हूँ कि 24 घंटे के लिए तुम्हें अपने पास नहीं रोक सकती? बिल्कुल बिल्कुल रोक सकती है गीता जी, क्यों 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 नहीं रोक सकती? तो फिर रुको ना, मैं अभी आई। गीता जी जल्दी आना। राजू ये तू कहाँ फंस गया रे? बस ऐसे ही फंसते रहना जिंदगी भर के लिए। मेरी वर्षा भी तुम हो, मेरी गीता भी तुम हो, मेरी रातें भी तुम हो, मेरी सुबह भी तुम हो। नमस्कार, एक विशेष सूचना, पुलिस को एक खतरनाक कातिल की तलाश है। जनता को ये सूचित किया जाता है कि इस खूनी से सावधान रहे, इसने दो और भी कर सकता है। ये एक पेशेवर कातिल है और माफिया से काम करता है। इसके पास कई तरह के हथियार हैं, जैसे कि खंजर, पिस्तौल। मैंने सुना प्यार में दिल के घंटे बजता, तुमको सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रही है, लेकिन ये दिल की घंटी नहीं, मोबाइल की घंटी है। इंटरप्शन, ये तो बार बार इंटरप्शन रे। अबे गधे फोन क्यों उठाता? देख तू मेरे को बहुत डिस्टर्ब करता, तू खाली फोन रख राजू। ओह नो, आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं कुट्टी, मैं ये साफ करके आती हूं। आना राजू, डेविल तेरे को क्या प्रॉब्लम रे? तू गीता से प्यार करता बच्चे को डिस्टर्ब किया, कहीं भी दिखाई दे तो मेरे काले में इससे दूर रहे और तुरंत पुलिस को सूचित। क्या बोलने का बोल मेरे को? हमारे फोन नंबर्स हैं 333। कुट्टी तेरे को बोला था ना घर के बाहर ही निकलने को, तू क्यों बाहर निकला? क्यों नहीं निकलने का, मैं किससे डरता क्या रे? ये सिटी में कर्फ्यू लगा रे। कर्फ्यू समझ ले, पूरी पुलिस फोर्स मुझे ढूंढती फिर रही है।
पूरा पुलिस फोर्स मेरे को ढूंढ रहा है कई के लिए। वो तुझे पकड़ना चाहती है, गिरफ्तार करना चाहती है। ओ मेरे को गिरफ्तार करने के लिए मेरे को क्या भाई बैठो बैठो रे आपस की बात है काय को मेरे गिरफ्तार करेंगे हाथ लगा के देखने दे मेरे को धज्जे उड़ा देंगे मई क्या मैं किसी का खून किया रे एक नहीं गधे दो दो खून यानी कि मैं एकदम खतरनाक किलर है तो पुलिस के पास मेरा कोई सबूत भी होएंगे ना। हाँ है ना एक चश्मदीद गवाह आई विटनेस है। अच्छा कौन रहे वो ग्रेट आदमी कौन रहे वो बोल वो भला आदमी मैं हूँ मैं तूने मेरे को देखा मर्डर करने के टाइम पे क्या जोक करते रहे तू कुटी कुटी मैं जोक नहीं मार रहा मेरे दोस्त मैं सच कह रहा हूँ। एक सच तू भी सुन रहे अभी जल्दी फोन रख देने तो मैं तेरा भी खून कर डालेगा रख फोन तो कुटी सारे ने फिर फोन कर दिया मई मर्डर मई बहुत बड़ा मर्डर बनाइए आपको जरूर कौन सा पिक्चर है क्योंकि ये इस देश का सबसे खतरनाक सीरियल किलर है। आप हमारे फोन नंबर फिर से नोट करें 3-3-1-1-1-1। हेलो पुलिस स्टेशन देखिए गीता जी मेरा दोस्त बहुत मुसीबत में है और मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी कोई जासूसी नहीं चलेगी समझ गई ना। ओके ओके राजू तुम जाओ बेशक जाओ। थैंक यू। लेकिन जाने से पहले अपनी वर्षा को एक गुड नाइट किस तो देते जाओ। नहीं 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 गीता जी देखो आप लोग गलत फहमी हो गया आप लोग डरने के नहीं मैं कोने नहीं हूँ देखिए मैं सीधा आदमी हूँ मेरे एक छोटा होटल है फोर्ट एरिया में। देखो आप लोग मेरे को छोड़ेंगे ना तो ये चाकू भी छोड़ दूंगा मैं सच्ची बोलता हूँ चिल्लाने के नहीं मार दूंगा मैं नहीं मारेगी तुमको आप लोग काय को डरा हुआ है मैं आप लोगों से ज्यादा डरा हुआ यू आर अंडर अरेस्ट। मैं खून ही नहीं हूँ सर। चुप हमारे पास आई विटनेस है जिसने तुझे खून करते हुए देखा है राजू 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 राजू